नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर। या ग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं। द फीचर मेड बाय ग्राउंड वाटर इज नोन एज द कार्स्ट टोपोग्राफी। ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल या भौमजल, अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर एंड द लैंड फॉर्म्स फीचर क्रिएटेड बाय द ग्राउंड वाटर इज नोन एज द कार्स्ट टोपोग्राफी। पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस फर्स्टली स्टार्ट अंडरग्राउंड वाटर। व्हेन रेनफॉल अकर्ड, सर्टेन अमाउंट्स ऑफ द रेन वाटर परकोलेटेड इनसाइड द अर्थ एंड पेनिट्रेट बीनीथ द सरफेस एंड एक्यूमुलेटेड इन द पोर्स ऑफ द सॉयल्स। लेटर दीज सैचुरेटेड वाटर्स स्टार्ट फ्लोइंग अंडरग्राउंड। सच फिनोमेना इज नोन एज द अंडरग्राउंड वाटर फ्लो। जब बारिश होती है तो बारिश की पानी कुछ तो सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, सतह के ऊपरी हिस्से पे फ्लो करता है हॉरिजॉन्टली या एक लीनियर फॉर्म में, यानी कि रिवर की तरह, चैनल की तरह। कभी कभी यही वाटर सरफेस के अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाता है रिस करके, यानी कि सरफेस या अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। जब यही अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और अंदर जा करके किसी ऐसे रॉक्स में जिसमें जिसके ग्रेन्स में पोर्स हों, स्पेस हों, गैप हो, एक ग्रेन का दूसरे ग्रेन के बीच में अगर गैप है तो वहाँ जा करके इसके जो प्रिज्म ऑफ वाटर है, यानी वाटर का जो प्रिज्म है, वाटर जो है एक तरह से स्टोर हो जाएगा, चिपक जाएगा। जब वो रॉक सेचूरेट हो जाएगी वही वाटर क्या है कि हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा, तो उसी को अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। आफ्टर रेनफॉल वाटर परकोलेट, वाटर पेनिट्रेट इनसाइड द अर्थ थ्रू द क्रिवाइसेस, थ्रू द रेप्चर्स, थ्रू द गैप्स इन द रॉक्स एंड पेनिट्रेट इनसाइड या बीनीथ द सरफेस। दीज वाटर्स अकुमुलेटेड, दीज वाटर स्टोर्ड इन द पोर्स ऑफ द सॉयल्स या पोर स्पेसेस ऑफ द सॉयल। व्हेन दीज पोर स्पेसेस सैचुरेटेड विद सच वाटर्स स्टार्ट फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द ग्राउंड, नोन एज द अंडरग्राउंड वाटर फ्लो या अंडरग्राउंड वाटर फ्लो। अब इसी के बारे में बात करते हैं। एनी लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाई द अंडरग्राउंड वाटर फ्लो नोन एज द कार्स्ट टोपोग्राफी। मेनली सच फिनोमेना अकर्ड इन द लाइम स्टोन रॉक्स। ये जो है चूना पत्थर वाली रॉक्स में ही फीचर बनता है जिसको हम कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं। जब चूना पत्थर वाली रॉक्स में वाटर इनसाइड चले पेनिट्रेट करके चला जाए अर्थ में और वहाँ पे फ्लो करने लगे तो उसकी रूप रेखा को, उसकी स्थलकृति को जो रूप देती है, उसको बनाती है, उसी को हम कहते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। अगेन अंडरग्राउंड वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर में भी इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों फीचर्स पाए जा सकते हैं। तो नंबर एक पे इसमें क्या है, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, वाटर फ्रॉम द रेन, वाटर फ्रॉम द स्नो पेनिट्रेट इनसाइड द अर्थ
एंड स्टोर्ड इन द स्पेसेस ऑफ सॉयल पोर्स. दीज वाटर पेनिट्रेट थ्रू द क्रिवाइसेस, थ्रू द गैप्स, थ्रू द होल. ये वाटर जो है सरफेस में पेनिट्रेट करता है या रिस करके चला जाता है जब उसमें कोई गैप होता है, फ्रैक्चर होता है, रैप और रप्चर होता है, और अर्थ के अंदर जा करके यही वाटर सॉयल का जो पोर्स होता है उसी में स्टोर हो जाता है. एक टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत ही सैचुरेटेड रॉक्स बन जाती है. इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा एक इस वाली कंडीशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये इम्परवियस रॉक है. क्या है? इम्परवियस रॉक. एक होता है पोरस, एक होता है परवियस. पोरस एंड परवियस. परवियस परवियस इम्परवियस रॉक या पोरस रॉक्स. पोरस का मतलब होता है पोर्स, पोर स्पेसेस एमंग द ग्रेन्स. जब मिट्टी के दानों के बीच में गैप हो, वहाँ स्पेस हो, उसी को कहा जाएगा पोरस. परवियस का मतलब क्या होता है? परवियस वाटर कैन परकोलेट थ्रो पोर स्पेसेस ऑफ ग्रेन. मिट्टी के जो ग्रेन हैं, जो दाने हैं, उसी के बीच में जो स्पेस है उससे जब वाटर परकोलेट कर ले जाए, उससे वाटर रिस करके अंदर चला जाए या रिस करके अंदर स्टोर हो जाए, तो उसी को परवियस रॉक कहा जाएगा. एक होता है इम्परवियस. क्या होता है? इम्परवियस या इम्परमिएबल. परवियस हो गया या परमिएबल भी कह सकते हैं इसको. परमिएबल. एक होता है इसी का रिवर्स यानी अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्परमिएबल. इम्परमिएबल या इम्परवियस. इम्परमिएबल का मतलब कि वाटर कैन नॉट पेनिट्रेट, वाटर कैन नॉट स्टोर इन द पोर्स ऑफ द सॉयल ग्रेन्स, दैट इज इम्परमिएबल. जब वाटर यानी कि जब सॉयल के ग्रेन्स इतने बारीक हों, इतने ज़्यादा बारीक हों कि उनमें बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो कि वाटर आसानी से उसमें स्टोर ना हो पाए या वाटर आसानी से उसमें पेनिट्रेट ना करने पाए, तो उसी को इम्परमिएबल रॉक कहा जाता है. तो परमिएबल का मतलब कि वाटर वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके ग्रेन ग्रेन के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है. मान लीजिए कि बहुत बारीक बारीक जब ग्रेन होंगे तो उसमें स्पेस तो रहेगा, बहुत बारीक बारीक अगर ग्रेन है तो स्पेस तो है, लेकिन उसमें वाटर आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकता, स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेन के बीच में स्पेस बहुत छोटा छोटा है. दैट इज़ इम्परमिएबल रॉक्स या इम्परवियस रॉक्स. पोरस का मतलब कि उसमें स्पेस होना चाहिए. स्पेस अगर होगा तो वहाँ पे गैस
प्लस वाटर दोनों जा कर के स्टोर हो जाएगा। और किसी भी प्लांट्स के लिए ये वाटर या गैस ही इम्पॉर्टेंट होता है, सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, बगैर इसके वाटर जो प्लांट सस्टेन नहीं कर सकता। गैस से तात्पर्य यहाँ पे मान लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, मेनली नाइट्रोजन गैस जो कि एटमॉस्फियर से सॉयल के पोर्स में जा कर के स्टोर हो जाता है, और जो प्लांट्स की रूट्स हैं उसी नाइट्रोजन को फिर बाद में नाइट्रेट नाइट्राइट्स और ना जो है प्रोटीन में सिंथेसिस में काम में लाते हैं। तो ये गैस जो है स्टोर जब होगा जब वहाँ पे पोर्स होगा। अगर उसमें पोर्स नहीं है तो ये गैस नहीं स्टोर होगा, उसमें अगर पोर्स नहीं है तो ये वाटर स्टोर नहीं होगा, वाटर स्टोर नहीं होगा तो फिर प्लांट सस्टेन कैसे करेगा, सवाल ये है। इसी तरह से हम बातें कर रहे थे ग्राउंड वाटर की, तो ये ग्राउंड वाटर की कंडीशन में यहाँ पे हमको अच्छा ये वाली कंडीशन हमारी जो है ये इम्परवियस रॉक्स है। क्या है इम्परवियस रॉक, दैट इज इम्परवियस रॉक, यानी ये हार्ड रॉक है, इसके ग्रेन इतने ज़्यादा बारीक हैं कि इसमें वाटर जो है पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसमें वाटर स्टोर नहीं हो सकता। अगली वाली लेयर हमने क्या बनाई, ये हो गई हमारी ये है, नेक्स्ट हमने बनाई जो है इसकी वाली लेयर, ये जो है सरफेस है जिस पे हम रहते बसते हैं। या मान लीजिए कि एक हम पेड़ ऐसे लगा दिए, इसका रूट जो है ऐसे कुछ चला जाएगा। ये जो है ये वाली जो लेयर है हमारी, ये क्या है परवियस रॉक्स है, ये पूरा का पूरा मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या है परमिएबल रॉक है या परवियस रॉक है, परमिएबल है। और ये इम्परमिएबल है यानी कि यहाँ पे पानी जो है इस वाली कंडीशंस में यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक अर्थ में पानी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये हार्ड चट्टान है, इसके पोर्स बहुत बारीक हैं, उसमें स्पेस कम है, यहाँ पे पानी आकर के स्टोर हो जा रहा है। ग्राउंड में क्या होता है कि रॉक्स के कुछ हिस्से में वाटर जो है रेगुलर स्टोर रहता है, जैसे ये वाली लेयर हमने बनाई तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाटर आसानी से, ये परमिएबल रॉक है लेकिन जहाँ पे वाटर रेगुलर स्टोर रहता है उसी को एक्वीफर कहते हैं, एक्वीफर। जो वाटर का जो ऊपरी लेयर है ये वाला, यहाँ तक पानी जो है यहाँ से लेकर के पानी यहाँ तक स्टोर है, तो ये ऊपरी लेयर या अपर सरफेस ऑफ द एक्वीफर नोन एज द वाटर टेबल। द अपर लेयर ऑफ द एक्वीफर नोन एज द वाटर टेबल। वाटर एक्वीफर क्या है, द सैचुरेटेड जोन ऑफ द परमिएबल रॉक इन विच वाटर इज स्टोर्ड। द सैचुरेटेड, ये वाटर सैचुरेटेड मतलब कि वो एरिया जहाँ पे परमिएबल रॉक्स में वाटर साल भर सालों साल या रेगुलर स्टोर रहती है उसी को एक्वीफर कहते हैं। ये क्या हमारा एक्वीफर हो गया, ये हमारा जो है आपका परमिएबल, ये पूरी की पूरी परमिएबल रॉक है। ये हिस्सा जो है हमारा सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड विद वाटर, सैचुरेटेड विद वाटर यानी कि यहाँ पे वाटर स्टोर्ड है परमानेंट, फर्दर उसमें कैपेसिटी नहीं है वाटर को स्टोर करने की, इसीलिए यहाँ तक आकर के वाटर स्टोर हुआ। पानी आया अगर ऊपर से कहीं पे नीचे तो आकर के पहले यहाँ स्टोर होगा, ऊपर जा करके यहाँ तक आकर के उसकी लेयर बन गई। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके ऊपर पानी ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक उसमें पानी की पेनिट्रेशन है। अगर ये रॉक हार्ड होती ऊपर वाली या इम्परवियस रॉक होती, इम्परमिएबल रॉक होती, तो वाटर उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब कि ये जो है पोरस रॉक तो है, ये पोरस रॉक है, ये भी पोरस रॉक है, ये जो है इम्परवियस है यानी कि इसमें पानी नहीं जा सकता।
अब सवाल यह है कि जो ये वाला जोन है इसको हम अनसैचुरेटेड कह सकते हैं। अनसैचुरेटेड को हम कह सकते हैं एरेटेड जोन। एरेटेड जोन का मतलब कि जहां पे ईयर हो, इस वाले हिस्से में ये जो हिस्सा हमारा यहां से लेकर के यहां तक है ये ईयर वाला जोन है, यानी यहां पे वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर का जो है पानी यहाँ का हिस्सा यहां तक ऊपर तक ही है, और पानी का जो इक्वीफर का जो ऊपरी हिस्सा है उसी को हम जो है वाटर टेबल कहते हैं। ये जो है हमारा ग्राउंड वाटर ये वेरी करता रहता है, इट्स वेरीज अंडर द क्लाइमेट, अंडर द डिफरेंट क्लाइमेट, इट वेरीज ड्यू टू द रॉक एंड ड्यू टू द रॉक नेचर ऑफ द रॉक, इट वेरीज ड्यू टू द नेचर ऑफ द रॉक्स क्लाइमेट्स। एंड टाइप ऑफ द रॉक्स, यानी कि रॉक्स अगर हमारा परवियस है तो ये वाटर इसमें स्टोर होगा, अगर इम्परवियस है तो वाटर स्टोर नहीं हुआ। ये वाटर टेबल जो है ये वेरी करता रहता है सीजन टू सीजन। वाटर टेबल और एक्वीफर क्या है, द वाटर दैट स्टोर्ड इन द पोरस रॉक्स या तो इन द परमिएबल रॉक्स या पोरस रॉक्स अंडरग्राउंड, इट वेरीज द वाटर टेबल वेरीज सीजन टू सीजन। वाटर टेबल वेरीज सीजन टू सीजन, ये मौसम के हिसाब से वाटर टेबल जो है घटता और बढ़ता रहता है। वाटर टेबल जो है मौसम के हिसाब से एक तो घटता बढ़ता रहता है, वाटर टेबल डिपेंड्स अपॉन द कर्वेचर ऑफ द रॉक्स। वाटर टेबल डिपेंड्स अपॉन कर्वेचर ऑफ द रॉक्स। रॉक्स का जो डिजाइन है, जो शेप है, उसके आधार पे वाटर टेबल का भी डिजाइन या शेप बनेगा। अगर ये रॉक्स इस तरह से ना होकर के एक रॉक हमने ये बनाई, सॉरी और एक लेयर ये हमने ये बना दी, ये वाली जो हमारी इम्परवियस है, ये हमारा जो है परमिएबल है, ये वाला जो है हमने मान लिया वाटर टेबल है। यहां पे वाटर टेबल जो है डाउन हो गई, डिप्रेशन वाली यानी कि इस तरह से बेसन वाली कंडीशन में आ गई। ये क्या हमने बनाया, वाटर टेबल, वाटर टेबल की ये लाइन। अब ये हमारा क्या है, एक्वीफर है। वाटर टेबल जो है हमारा ये इस तरह से इस कर्वेचर को फॉलो कर रही है। वाटर टेबल अप्स एंड डाउन्स एज पर द स्लोप ऑफ द रॉक्स, एज पर द कर्वेचर ऑफ द रॉक। अगर कर्वेचर हमारा डाउन है तो हमारा वाटर टेबल भी इस तरह से डाउन हो जा रहा है, अगर कर्वेचर हमारा उठा हुआ है अप्स है कंडीशन में है तो हमारा वाटर टेबल भी अप्स कंडीशन में हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। एक तो चीज ये हमने बताई, दूसरी कंडीशन क्या है, वाटर टेबल वेरीज सीजन टू सीजन। जब ये वाटर टेबल हमारा बरसात के दिनों में, वाटर टेबल अगर मान लीजिए यहां तक है तो गर्मियों के दिनों में यही वाटर टेबल खिसक करके यहां पे आ जाएगा। मान लीजिए कि ये वाटर टेबल हमारा कहां पे आ गया, गर्मियों के दिनों में। ये क्या है हमारा, वाटर टेबल इन समर। गर्मियों के दिनों में वाटर टेबल हमारा थोड़ा डेप्थ में चला जाता है। एक बंदे को अगर अपना हैंडपंप लगाना होता है या बोरवेल लगाना है, उसने अपना बोरवेल की यहाँ तक अगर हाइट रखी, डेप्थ में मतलब कि पेनिट्रेट किया पाइप, बोरवेल की अगर पाइप यहाँ तक आई
तो बरसात के दिनों में ये क्या है, उसका हैंडपंप है। ये हैंडपंप है, हैंडपंप की जो पाइप है ये वाटर टेबल, जो कि बरसात वाले के दिनों का वाटर टेबल है, वहां तक की लेयर तक ये जा करके इसका जो है पेनिट्रेट किया या उसका पाइप डाला गया। इस वाली कंडीशन में हम देखेंगे कि ये पानी आसानी से यहाँ तक तो आ करके वाटर में, और ये जो है पानी जनरल दिनों में इसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वाटर टेबल ऊंचाई होता, ऊपर होता उसका कर्वेचर। लेकिन यही गर्मियों के दिनों में वाटर टेबल यहां से खिसक करके नीचे की तरफ जब आ गया, इतना गैप हो चुका होता है, तो अगर इस बंदे का पाइप यहां पे है तो उसमें पानी सूख जाएगा नल में, और जब पानी उसमें सूख जाएगा नल में तो उसका मतलब कि उसको पानी की क्राइसिस होगी। अगर एक किसान ने अपने ट्यूबवेल की, ट्यूबवेल यानी कि जो बोरवेल है उसका जो है पाइप यहाँ तक डाल दिया, यहाँ तक इस तरह से, और उस पर उसने मशीन सेट कर दी अपनी, तो ये साल भर रेगुलर वो अपने वाटर जो है उसका सिंचाई करता रहेगा खेती में। इस वाली कंडीशन में हम देखेंगे कि कभी भी उसको पानी की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो वाटर टेबल जो अप और डाउन हो रहा है सीजन टू सीजन, उसको उसने फॉलो करते हुए उसी, उसमें हमने देखा होगा कि जब ट्यूबवेल या बोरवेल या हैंडपम्प लगाते हैं तो पहले ये जो भी मिस्त्री होते हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इस पे देखते हैं कि वहाँ पे बालू निकल आया कि नहीं निकल आया, रेता या लाइम स्टोन्स के कुछ टुकड़े, उसका मतलब कि वहाँ हमको पानी मिलने की संभावना है, पानी के हम करीब पहुँच चुके हैं। जब भी बोरवेल करते हैं तो जैसे ही उनको बालू, रेता, लाइम स्टोन्स या ऐसा भी ऐसी रॉक्स जो कि पोरस रॉक्स होती हैं जिसमें कि वाटर आसानी से स्टोर हो सके, उसको मिलने पे उनको संभावना हो जाती है कि हम कामयाबी के करीब हैं और जल्दी हमारा ट्यूबवेल या बोरवेल या हैंडपम्प लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लेयर है कहीं ना कहीं जहाँ पे आसानी से वाटर स्टोर है वो क्या है, एक तरह से पोरस रॉक्स है, वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, वहाँ पे आपस में गैप्स हैं, पोर हैं सॉयल के, ग्रेन के, सॉयल का जो ग्रेन है उसके बीच में, इसी तरह से वो निर्धारित कर लेते हैं कि हम उसको करीब हैं। अब अगला हमारा टॉपिक्स है वाटर टेबल यानी कि इम्परमिएबल, और नेक्स्ट कंडीशन हमारी हो जाएगी थोड़ी सी, इसी को हम दूसरे डायग्राम के साथ समझते हैं। की मिटाई दें पूरे। होता क्या है कि कभी कभार मान लीजिए ये क्या है, इम्परमिएबल रॉक है, इम्परमिएबल रॉक है। एक रॉक्स जो है कुछ ऐसे है, मान लीजिए ये है, एक रॉक कुछ ऐसे है, एक जो है हमारा ऐसे कुछ है। ये वाला जो है इम्परमिएबल है, अगेन हमने यहां पे लिख दिया जो है इम्परमिएबल यानी वाटर कैन नॉट परकोलेट थ्रू दीज रॉक्स, वाटर कैन नॉट स्टोर इन दीज रॉक्स बिकॉज हियर स्पेस पोर स्पेसेस ऑफ द सॉयल ग्रेन इज वेरी क्लोज एंड दे कैन नॉट परमिट द रॉक टू बी स्टोर्ड। ये वाला एरिया जो हमारा परमिएबल वाला हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा जो है परमिएबल हो गया। अब अगर बारिश, यहाँ पे हमने बनाया क्लाउड, बारिश अगर होती है, इफ रेनफॉल अकर्ड वाटर स्टोर इन दिस रॉक हेयर, अगेन हेयर वाटर कैन नॉट स्टोर्ड बट अगेन हेयर वाटर विल बी स्टोर्ड एंड स्टार्ट फ्लोइंग इन साइड द रॉक्स। ये हो गया हमारा। अब इस वाली कंडीशन में हमने क्या देखा कि ये परमिएबल है,
इम्परवियस है, ये परवियस है, यानी कि इम्परमीएबल पर इम्परमीएबल, ऐसे लेयर हैं। इस वाली कंडीशन में वाटर जो है आकर के, ये पानी मान लीजिए पानी की बूंदें हैं, ये क्या है, ये वाटर्स है, ये वाटर जो है बारिश का पानी ऐसे पेनिट्रेट करके इनसाइड ग्राउंड्स में फ्लो करता रहेगा और एक जगह कहीं पे आ करके, ये मान लीजिए कि रॉक्स अगर इस तरह से कुछ, इसका ये वाली रॉक जो है कुछ इस तरह से यहाँ आकर के मिल जाती, तो ये यहाँ पे ऐसे इसमें स्टोर रहेगा और ये फ्लो करता रहेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे आकर के फ्लो करता रहेगा। ये रॉक अगर सपोज दैट ये यहीं तक कहीं होती, मान लीजिए यही वाटर जो है इसमें आकर के स्टोर हो जाता और यहाँ पे जैसे ही ये स्पेस होगा यहीं पे ये पानी जो है, ये क्या ग्राउंड है, ये ग्राउंड हमारा है, ये सरफेस है, सरफेस यानी कि सतह जिसमें हम रहते बसते हैं, इसी पे अगेन यहाँ से चैनल स्टार्ट हो जाता और इसी को हम स्प्रिंग कहते हैं। ये वाटर जो है यहाँ पे ऐसे इस तरह से फ्लो होने लगेगा और फ्लो होते होते जो डाउनवर्ड साइड है, जो लो लाइंग एरियाज है इनसाइड द अर्थ, ठीक है, वाटर विल स्टार्ट मूव एंड इमर्ज समवेयर एल्स वेयर इट्स फाउंड द प्लेस ऑफ इमरजेंस। यानी कि वाटर इनसाइड जो है अर्थ में पेनिट्रेट कर जाएगा और उसके बाद कहीं पे ये फ्लो करता रहेगा, क्योंकि ये परवियस रॉक है, ये इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये इम्परमिएबल रॉक है। यहाँ पे वाटर आकर के इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इम्परमिएबल रॉक है और आकर के यहाँ से अगेन यहाँ पे स्प्रिंग निकल गया। दीज स्प्रिंग्स आर नोन एज द फाउंटेन आल्सो, जिसको हम झरना कहते हैं या उसको हम फाउंटेन चश्मा क्या क्या कहते हैं, ये स्प्रिंग्स होते हैं। तो क्या नेचुरल इमरजेंस ऑफ द ग्राउंड वाटर इज नोन एज द स्प्रिंग। इसमें क्या है, वेयर वाटर टेबल मीट्स नेचुरली विद द सरफेस वाटर। यहाँ पे वाटर टेबल क्या है, ये वाला लाइन मान लीजिए वाटर टेबल था, और वाटर टेबल और ये वाला जो है हमारा क्या है स्प्रिंग जहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये सरफेस वाटर जो है दोनों के इक्वल में पैरेलल में आकर के मिल जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये स्प्रिंग कहलाएगा। वेयर वाटर टेबल्स नेचुरली मीट्स विद द सरफेस वाटर नोन एज द स्प्रिंग। ये हमने बात कर लिया शेप ऑफ द वाटर टेबल, वाटर टेबल का जो शेप होता है ये वेरी करता रहता है। एक हमारा जो है आर्टेसियन बेसिन, आर्टेसियन बेसिन, इसकी भी बातें कर लेते हैं। आर्टेसियन बेसिन का मतलब क्या होता है कि वाटर सैंडविच या एक्वीफर या सैचुरेटेड वाटर जोन इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू इम्परवियस रॉक नोन एज द आर्टेसियन बेसिन। आर्टेसियन बेसिन का मतलब क्या होता है, आर्टेसियन बेसिन, सपोज दैट ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये क्या है हमारा इम्परवियस है, ये वाली लेयर हमारी जो है क्या कहते हैं परमिएबल है या परवियस है या पोरस है, और एक लेयर हमने और बना दिया, दिस इज अगेन इम्परवियस। यहां पे क्या है कि इस तरह से कुछ ले लेते हैं हम, इसको भी अगर इस तरह से कुछ डिजाइन कर दें, मान लीजिए कि जो इम्परवियस वाला है इसको हमने कुछ ऐसे डिजाइन कर दिया ब्लैक कलर से, ये वाटर यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता, वाटर यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं हो सकता, दैट इज इम्परमिएबल है। ये अगेन जो है इसको हमने जो है इम्परवियस वाले को ऊपर ऐसे कहीं डिजाइन कर दिया,
दिस इज द परमिएबल रॉक्स, पानी जो है बारिश की बूंदें कहीं भी आएंगी तो वो इधर से आकर के, मान लीजिए कि ये क्लाउड है, बारिश जो है सब जगह होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वनली पानी जो है यहीं से पेनिट्रेट कर करके इनसाइड जो है अर्थ में पेनिट्रेट करके करके रिस करके जाएगा। ये क्लाउड है, यहाँ से ये जो परवियस है, ये जो कि परमिएबल रॉक है वाटर वनली, उसी में पेनिट्रेट करेगा। इस वाली कंडीशन में एक चीज़ ये ध्यान देने की है कि यहाँ पे जो वाटर टेबल होगा उसका कुछ इस तरह से वाटर टेबल बनेगा, क्योंकि कर्वेचर्स को फॉलो करेगा वाटर टेबल हमेशा। यहाँ पे डाउंस है, वेयर स्लोप इज मेड इन सच ए मैनर दैट इज क्रिएट ए डिप्रेशन लाइक कंडीशन। तो यहाँ पे क्या डाउन है, तो इसका वाटर टेबल भी डाउन हो जाएगा और ये पानी आकर के इसी में यहाँ पे ये सेचुरेट हो जाएगा। ये वाला जो लेयर हमारा, ये सेचुरेशन लेवल है, यानी कि वाटर आकर के इसी में स्टोर हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जनरल दिनों में भी ये वाटर यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाएगा और ये पूरा का पूरा लेयर जो है एक तरह से मान के चलिए कि वाटर हो गया। वेन एवर वाटर स्टोर्ड रीजन या सेचुरेटेड जोन ऑफ द वाटर इज सैंडविच बिटवीन द टू इम्परवियस रॉक नोन एज द आर्टिसन बेसिन। अगर यहाँ पे कोई बंदा एक हैंड पंप ऐसे लगा दे और इतना ज़्यादा प्रेशर से दो रॉक्स के बीच में वाटर अगर इसमें स्टोर्ड है, तो जैसे ये लगाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे पानी जो है आने लगेगा, हैंड पंप लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ओनली पाइप से ही पानी जो है ऊपर जाने लगेगा। यहाँ पे तो थोड़ी सी डेप्थ में ही उसको ऐसे हैंड पंप लगाने से पानी आ जाएगा, तो इसको कहते हैं आर्टिसन बेसिन। आर्टिसन बेसिन ये बहुत सारे जो है प्लेन एरियाज हैं उसमें पाए जाते हैं। मोस्टली फेमस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ग्रेट आर्टिसन बेसिन ऑफ द नदर्न ऑस्ट्रेलिया। नदर्न ऑस्ट्रेलिया का मतलब सपोज दैट दिस इज द ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया हियर आर्टिसन बेसिन, दिस रीजन इज द नोन एज द ग्रेट आर्टिसन बेसिन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। यहाँ इरीगेशन के लिए ग्राउंड वाटर आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो इसको कहा जाता है ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ऑस्ट्रेलिया में ये है। ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में भी ग्राउंड वाटर की कुछ ऐसी कंडीशन पाई जाती हैं, जैसे कि नदन हिमालय मलिक सॉरी नदन प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, यानी कि हिमालय से जैसे रिवर्स निकलती हैं वो अपना वाटर जो है एक तरह से चैनल को लॉस कर देती हैं। सपोज दैट दिस इज द हिमालय। वेन एवर रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालयन या माउंटेनियस एरियाज एंड इंटर इन द प्लेन एरियाज, इट ब्रॉट विद इट विद देमसेल्फ इट ब्रॉट विद देमसेल्फ बाउल्डर्स कोबल्स पेबल्स सैंड्स एंड डिपोजिटेड दीज सैंड्स दीज मलबा। ये सारे के सारे सैंड्स मलबा को ये हिमालय के पास में कहीं ना कहीं पे डिपोजिट कर देते हैं। रिवर पहाड़ से निकल करके आती है और पहाड़ के जैसे भी फुटहिल पे यानी कि तलछटी पे इंटर करती है, प्लेन एरियाज में इंटर करती है, अपने साथ मलबा बाउल्डर्स कोबल पेबल सैंड ला करके ग्रेवल्स ला करके यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। द चैनल लॉस इट्स कोर्स एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग इनसाइड द अर्थ सरफेस, इनसाइड द सरफेस। ये कोबल पेबल को जब ये जमा करती है तो जो इसका कोर्स होता है वो खो जाता है, गायब हो जाता है और यही चैनल जमीन के भीतर बहने लगती है 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर। लेटर इट्स इमर्ज इन द ट्राई एरियाज, इन द ट्राई एरियाज लेटर दीज रिवर्स इमर्ज इन द ट्राई एरियाज। मान लीजिए कि ये वाला बेल्ट हमारा 10 to 16 या 15 किलोमीटर है, नोन एज द भाबर रीजन। अगेन दीज रिवर्स री इमर्ज इन ट्राई एरियाज, और जहां पे रिवर अगेन इमर्ज होगी बहुत सारे छोटे छोटे चैनल अगेन इमर्ज होने शुरू होंगे, फिर सारे वाटर आकर के एक बड़े चैनल में स्टोर होंगे, तो वहां पे मर्शी स्वाम्पी लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे स्वाम्पी लाइक कंडीशंस मर्शी लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा। इस एरियाज को तराई कहते हैं, तराई मीन्स
तरी, तरी मीन्स नमी, वेट, वेटनेस यानी कि नमी कोई हो, तरावट यानी कि जो है पानी वाल, पानी से संबंधित है, तराई मतलब कि तरी, नमी, नमी अगर हुई होगी तो उसी को तराई कहा जाएगा। अब यहाँ पे रिवर्स अगेन इमर्ज होगी तराई एरियाज में, तो यहाँ पे मार्शी स्वाम्पी लाइक कंडीशंस, अगर दलदली टाइप जमीन ऐसे क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट इमर्ज हो गए। फॉरेस्ट मतलब कि इमरजेंस हुआ, फॉरेस्ट का ग्रोथ हो गया। यही फॉरेस्ट आज के टाइम पे कुछ भाबर में, कुछ तराई में मिला करके हम कहीं पे उसको जिम कॉर्बेट कहते हैं, कहीं पे उसी को हम, उसी का चैनल है, वही वही जो है लाइन है, वही पूरा जो है रेंज है। बाद के दिनों में उसी में जो है कटाई हो गई, और वही पहले क्या था कि डायनासोर, अगर सॉरी ये आपका राइनोसेरास जो है, यहाँ से आसाम के, जो आसाम में क्या कहते हैं ऐसे निकल करके, इसी पूरी पहाड़ी को फॉलो करते हुए, तराई और ये भाबर रीजन को फॉलो करते हुए, ये दुधवा फॉरेस्ट जो है यहाँ तक आ करके ये रोलिंग करता था, यहाँ से वहाँ तक मूव करता रहता था। टाइगर्स वगैरह भी यहाँ से वहाँ तक ऐसे परमानेंट चलते फिरते रहते थे, क्योंकि पूरा फॉरेस्टेड लैंड था। बाद के दिनों में उसमें जो है रोड कंस्ट्रक्शन, सिटी अर्बनाइजेशन के कारण ये रोड कट गए। तो यहाँ पे जिम कार्बेट है कहीं पे, कहीं पे दुधवा फॉरेस्ट है यूपी में, कहीं पे जो किशनगंज फॉरेस्ट है पीलीभीत में, तो कहीं पे कटनिया घाट बहराइच वहराइच में है, तो कहीं पे सोहेल देव फॉरेस्ट ये श्रावस्ती बलरामपुर में, तो कहीं पे जो है सोहरी बरगवा फॉरेस्ट है, तो कहीं पे वाल्मीकि जी फॉरेस्ट जो है चंपारण में है, तो उसी का रेंज आकर के मनास फॉरेस्ट और जो ये आपका आसाम, आसाम में पड़ जाएगा, सारा का सारा एक ही फॉरेस्ट लैंड है। और इसी में सारे के सारे एनिमल जो यहाँ पाए जाते थे, ऑलमोस्ट यहाँ भी पाए जाते थे, लेकिन बाद के दिनों में सारी कंडीशंस बदल गई। तो वाटर, हम बात कर रहे थे वाटर से, हम कहीं और चले गए। ये रिवर्स यहाँ से निकल करके आती है माउंटेनियस एरिया से, यहाँ पे अपने चैनल्स को, कोर्स को लॉस कर देती है, और अंडरग्राउंड ये फ्लो करती है। व्हेन ईवर इंटर्स इन द प्लेन एरियाज, इट डिपोजिटेड्स बाउल्डर्स, कोबल्स, पेबल्स, सैंड ग्राउंड्स एंड इट लॉट्स इस कोर्स एंड स्टार्ट फ्लोइंग इन साइड द सरफेस इन सर्टेन डेप्थ। अगेन इट्स री इमर्ज इन द ट्राई एरियाज वेयर सेवरल चैनल्स इमर्ज एंड मीट्स विद द लार्ज चैनल मेड ए लार्ज रिवर्स लाइक नोन एज द राप्ती रिवर। वेयर राप्ती स्टार्टेड, राप्ती स्टार्ट फ्राम ए पोंड, फ्राम ए तालाब, फ्राम ए कुआं, जैसे क्वानो रिवर, राप्ती रिवर, ये सारी के सारी रिवर्स कहाँ पे हैं, प्लेन एरिया से अगेन, यानी कि ये जो मर्शी वाला लैंड है यहाँ से कहीं से इमर्ज होती हैं। तो ये क्या है, अंडरग्राउंड वाटरफ्लो यहाँ पे भी पाया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ के लोग जो है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, यहीं पे ऐसे अपना नल लगाना शुरू किए, ट्यूबवेल या बोरवेल, जैसे ही 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट अपना बोरवेल किया, पानी ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो गया, ना तो उनको कोई मशीन बिठानी पड़ी, ना तो हैंडपम्प बिठाना पड़ा उस पर पाइप पे, और पानी जैसे ऊपर निकलने लगा, फिर उस पर ऐसे टेप लगा करके वो बंद कर देते हैं, ज़रूरत होती है खोल देते हैं। तो मिनरलाइज्ड अंडरग्राउंड वाटर आसानी से उनको अवेलेबल हो जाता है इन एरियाज में, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स भी हो सकते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हों, लेकिन ये कुछ कंडीशंस इस तरह से पाई जाएगी। तो इंडिया में ग्रेट आर्टिसन बेसिन वाली कंडीशन यहाँ पाई जा सकती है।